फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, थर्मोडायनेमिक्स। सो अकॉर्डिंग टू द लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स दैट इट इज रिलेटेड विद द एनर्जी, ये किससे रिलेटेड करता है, ये एनर्जी से रिलेट करता है। राइट नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट एनर्जी दैट इज हीट एंड वर्क, बोथ आर द फॉर्म्स ऑफ एनर्जी एंड दिस फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स इज डील्स विद द एनर्जी, ये किससे डील करता है, एनर्जी से डील करता है। सो व्हाट इज दैट, ओके, सो एनर्जी इज कन्वर्टिंग, एनर्जी इज कन्वर्टिंग कंटिन्यूअसली। फॉर एग्जाम्पल, ओके, तो ये आप देख सकते हो, वी आर यूटिलाइजिंग दिस इलेक्ट्रिसिटी, ये इलेक्ट्रिसिटी कहां से आ रही है, ये इलेक्ट्रिसिटी आ रही है एमएसईबी से, बराबर है, पावर। तो एमएसईबी में इलेक्ट्रिसिटी कहां से आ रही है, वो आ रही है पावर प्लांट से, पावर प्लांट में इलेक्ट्रिसिटी कहां से आ रही है, वो जनरेट हो रही है, जनरेट कहां से हो रही है, डैम में से। तो ये क्या है, दीज आर दी फॉर्म्स ऑफ एनर्जीज। तो डैम में क्या हो रहा है, द मैकेनिकल एनर्जी इज कन्वर्टेड इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी, देन दैट इलेक्ट्रिकल एनर्जी इज गेटिंग ट्रांसफर टू, ओके, सो एनर्जी इज व्हाट इज चेंजिंग फ्रॉम वन फॉर्म टू द अनदर फॉर्म, ओके, एनर्जी इज चेंजिंग फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर फॉर्म। आप देख सकते हो उसमें क्या होता है, टर्बाइन रोटेट होते हैं, दैट एंड द एनर्जी इज गेट कन्वर्टेड, ओके, तो मैकेनिकल एनर्जी इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट होती है, वो इलेक्ट्रिकल एनर्जी हमारे घर पे आती है, हम लोग उसको यस यूज करते हैं, और विद द हेल्प ऑफ फैन दैट इज कन्वर्टेड इनटू विंड एनर्जी। तो आप क्या देखते हो ये वाले एग्जांपल्स, ये वाले सिक्वेंस में आप क्या ऑब्जर्व करते हो कि एनर्जी क्या हो रही है, कंटिन्यूअसली ये ट्रांसफर हो रही है एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में, इट इज नॉट डिस्ट्रॉइंग, ओके, वो डिस्ट्रॉय नहीं हो रही है, सिर्फ क्या हो रही है, ट्रांसफर हो रही है, एंड दैट इज बेस्ड ऑन दिस फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स इज सिंपली अ कन्वर्जन ऑफ एनर्जी। सो इट इज सिंपली अ कन्वर्जन ऑफ एनर्जी, कन्वर्जन ऑफ एनर्जी फ्रॉम वन फॉर्म टू अनादर फॉर्म, जस्ट नाउ व्हाट आई सेड, ओके, अभी ये पावर प्लांट में एनर्जी जनरेट होती है, तो पावर प्लांट में एनर्जी जो जनरेट करते हैं वो कैसे जनरेट करते हैं, तो वो मैकेनिकल एनर्जी होती है, मैकेनिकल एनर्जी को हम लोग इलेक्ट्रिकल एनर्जी विद हेल्प ऑफ जनरेटर करते हैं, बराबर है ना, और वही इलेक्ट्रिकल एनर्जी हम लोग यहाँ पे यूज कर रहे हैं। तो हो सकता है कोई इलेक्ट्रिकल एनर्जी किसी डिफरेंट डिफरेंट एप्लीकेशन के लिए यूज करता हो, तो एनर्जी का क्या हो रहा है, फॉर्म चेंज हो रहा है, उसका जो यूज है वो हम लोग कर रहे हैं तो उसका फॉर्म चेंज हो रहा है, बट इट इज नॉट एग्जॉस्टिंग, वो खत्म नहीं हो रही है, वो चेंज कर रही है सिर्फ एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में, ओके। सो अकॉर्डिंग टू दिस लॉ टोटल एनर्जी ऑफ द सिस्टम एंड सराउंडिंग रिमेन्स कॉन्स्टेंट। तो इसका मीनिंग क्या है, एनर्जी कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर डिस्ट्रॉयड, तो एनर्जी जा का रही है तो ये सिर्फ कन्वर्ट हो रही है वन फॉर्म टू अनदर फॉर्म, एंड एनर्जी ऑफ अ सिस्टम एंड सराउंडिंग इज रिमेन कॉन्स्टेंट, ओके, एनर्जी, एनर्जी ऑफ सिस्टम, ओके, सो वी नो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ सिस्टम, एनर्जी ऑफ सिस्टम एंड एनर्जी ऑफ द सराउंडिंग इट रिमेन्स कॉन्स्टेंट, वो क्या रहती है, कॉन्स्टेंट होती है, वो एग्जॉस्ट नहीं होती, वो खत्म नहीं होती, ओके, सो इन दिस वे वी कैन से दैट व्हेन सिस्टम चेंजेस फ्रॉम एन इनिशियल स्टेट टू द फाइनल स्टेट द लॉ इज स्टेटेड इन अ डिफरेंट डिफरेंट वे। तो आप लोग ऑब्जर्व करोगे इसके जो स्टेटमेंट है बहुत अलग अलग हो सकते हैं। तो एक फर्स्ट स्टेटमेंट जो दिया हुआ है दैट एनर्जी ऑफ यूनिवर्स रिमेन्स कॉन्स्टेंट, सो यस वी कैन से दैट द एनर्जी ऑफ अ यूनिवर्स कंप्लीट, जो यूनिवर्स की जो एनर्जी है जितनी भी एनर्जी रहेगी वो क्या रहेगी, इट विल रिमेन कॉन्स्टेंट, इट विल रिमेन कॉन्स्टेंट, ओके, बिकॉज दिस कंप्लीट यूनिवर्स दैट एनर्जी ऑफ यूनिवर्स इट विल रिमेन कॉन्स्टेंट, क्योंकि वो इसी सिस्टम टू सराउंडिंग में ट्रांसफर होते जाएगी, वो सराउंडिंग टू सिस्टम में ट्रांसफर होते जाएगी, एंड यू नो दैट व्हाट इज दैट, सिस्टम प्लस सराउंडिंग इज व्हाट, सिस्टम प्लस सराउंडिंग क्या होती है, क्या होता है, उसको हमने ऑलरेडी बोला है कि क्या है, वो यूनिवर्स होता है, ओके, सो दिस इज द फर्स्ट स्टेटमेंट, ओके, अनदर वे द स्टेटमेंट कैन बी मॉडिफाइड, टोटल इंटरनल एनर्जी ऑफ एन आइसोलेटेड सिस्टम, ओके, सो दैट इज व्हाट द टोटल इंटरनल एनर्जी, टोटल इंटरनल एनर्जी आई एम गोइंग टू राइट डाउन विद द फॉर्म, ओके, डायरेक्टली सिंबल से लिखूंगा मैं इसको, सो टोटल इंटरनल एनर्जी ऑफ एन आइसोलेटेड सिस्टम, ऑफ एन आइसोलेटेड सिस्टम, तो हम लोग बोल सकते हैं कि ये हमारा जो यूनिवर्स है कंप्लीट ये आइसोलेटेड सिस्टम है। आइसोलेटेड सिस्टम में क्या होता है, हम लोग सपोज एग्जांपल लिया था आइसोलेटेड सिस्टम का, हमने ये हॉट कप ऑफ टी है, ओके, उसको ऐसे क्लोज करके रखा है और इसको हमने क्या रखा है, इंसुलेशन में ऐसे रख दिया है, बराबर है ना, यही एग्जांपल लिया था हम लोगों ने। व्हाट विल हैपन इन आइसोलेटेड सिस्टम, एनर्जी
विल रिमेन कॉन्स्टेंट, वो एनर्जी ना तो ट्रांसफर हो सकती है सिस्टम टू सराउंडिंग में, ना तो मास दैट इज अ मैटर ट्रांसफर हो सकता है सिस्टम टू सराउंडिंग में. ओके, सो बेस्ड ऑन दिस व्हाट वी कैन से, द टोटल इंटरनल एनर्जी दैट इज यू ऑफ एन आइसोलेटेड सिस्टम इज कॉन्स्टेंट, ऑफ एन आइसोलेटेड सिस्टम इज विल रिमेन कॉन्स्टेंट. एंड द थर्ड लॉ, एंड इट इज अ जनरलाइज्ड थर्ड स्टेटमेंट, इट इज वेरी जनरलाइज्ड स्टेटमेंट, that energy neither created nor destroyed. Okay, so this is a generalized statement, that is energy neither created, wo create bhi nahi hoti hai, neither created nor it is destroyed, nor destroyed. Okay, to ye hoti kya hai, to ye simply convert, it simply convert from one form to another form, from one form of energy, okay, one form of energy, one form to another, one form of energy to the another. So this is a generalized, the third statement is very generalized statement, that energy cannot be created and not be destroyed, it's simply converted from one form to the another form. So based on this, okay, we will use the application of internal energy. Yahan pe jo bola hai total U, that is total internal energy of an isolated system, it will remain constant. Agar ye constant rehta hai, to hum log dekhenge ki hum log calculate karenge, we will find out the correlation between heat, work and this internal energy. Okay, by using first law of thermodynamics. So what is the generalized statement of first law of thermodynamics? Okay, you will say that energy not created, it's not destroyed, it's simply transferring from one form to another form, just what I had explained with the help of example, jaise maine aapko explain kiya. Now formulation of first law of thermodynamics, so we will study formulation. Okay, statement about the first law of thermodynamics, abhi statement dekha hum logo ne, to abhi us statement ke basis pe hum log uska kya karenge, फॉर्मुलेशन करेंगे, फॉर्मूला लिखेंगे हम लोग. सो फॉर्मुलेशन ऑफ फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडाइनमिक्स, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडाइनमिक्स, ओके, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडाइनमिक्स, ओके, थर्मोडाइनमिक्स. सो लाइक दिस वी कैन से दैट एन एनर्जी सप्लाइड टू द सिस्टम, इट इंक्रीजेस इट्स इंटरनल एनर्जी, ऑन द अदर हैंड रिमूवल ऑफ हीट और वर्क फ्रॉम द सिस्टम, it decreases its internal energy. अभी just देखा हम लोगों ने क्या हो रहा था, internal energy देखो negative किस case में आया था, delta U किस case में negative आया था, when the energy was transferring from system to surrounding, जब वो energy क्या हो रही है, lose हो रही है, कहाँ से, system से surrounding में, बराबर है, energy system की energy surrounding को जा रही है, तब हमें क्या आया, answer इसका negative आया. और delta U positive कब मिला हमें, डेल्टा यू पॉजिटिव कब मिला, जब हीट या फिर हम लोग बोलते हैं वर्क, ये क्या हो रहा है, ऐड हो रहा है, ऐड हो रहा है किस में, सिस्टम में. और निगेटिव कब आता है, जब हीट या फिर वर्क, ओके, वो क्या होता है, उसका जो साइन कन्वेंशन होता है वो टूवर्ड्स सराउंडिंग होता है, ओके, वो क्या होता है, दिस इज टूवर्ड्स सराउंडिंग होता है, ओके, दैट इज रिमूविंग फ्रॉम, इट इज रिमूविंग फ्रॉम दी, रिमूविंग फ्रॉम दी सिस्टम, सिस्टम से अगर बाहर जाता है तो हम लोग निगेटिव, अभी जस्ट एग्जाम्पल देखा थी हमने उसके बेसिस पे. सो ऑन दैट बेसिस वी कैन से दैट सपोज क्यू इज द हीट सप्लाइड टू द सिस्टम एंड डब्ल्यू इज द वर्क डन ऑन द सिस्टम बाय द सराउंडिंग. ओके, सो नाउ वी विल राइट डाउन दिस. कंसिडर दैट क्यू इज द अमाउंट ऑफ हीट सप्लाइड टू द सिस्टम, ओके, हीट सप्लाइड टू द सिस्टम. So we'll write down this heat supplied to the system, supplied to system, to the system, system को heat supply किया, बराबर है, तो इसकी value क्या आएगी, positive ही आएगी, heat supplied to the system, this will be positive, क्योंकि heat हम लोग supply करें system में, okay, and the work is done by surrounding and the amount of work done on the system, okay, and the amount of work done, and W is what, amount of work done on system, okay, on system. अभी on system यानी है, अगर लिखा है यहाँ पे तो इसका मीनिंग क्या है, कौन वर्क करेगा सिस्टम के ऊपर, डेफिनेटली सराउंडिंग ही वर्क करेगा, तो वो भी देखो पॉजिटिव में ही है, ओके, तो वो भी क्या है,
पॉजिटिव में ही है, नहीं समझता है तो फिर से मैं आपको यहाँ पे लिखता हूँ, दिस इज Q एंड दिस इज अ W. ओके, दोनों भी क्या रहेंगे, ये पॉजिटिव ही रहेंगे. Q इज द अमाउंट ऑफ हीट सप्लाई टू द सिस्टम, ओके टू द सिस्टम, एंड W इज द अमाउंट ऑफ वर्क डन ऑन अ सिस्टम. W इज द अमाउंट ऑफ वर्क डन ऑन अ सिस्टम. सो बोथ आर पॉजिटिव वैल्यूज. सो नाउ बेस्ड ऑन दिस इंटरनल एनर्जी देखो हम लोग कैसे निकाल सकते हैं. Q भी एड हो रहा है यहाँ पे और वर्क डन भी क्या हो रहा है यहाँ पे टूवर्ड सिस्टम में ही है. सो यस हाउ वी कैन बेस्ड ऑन एग्जाम्पल थर्ड. एग्जाम्पल थर्ड से देखो ओके वो बाहर था, अभी ये इंटरनल एनर्जी यहाँ पे एड हो रही है. सो वट विल बी द चेंज इन इंटरनल एनर्जी. सो इंटरनल एनर्जी विल डिपेंड ऑन दिस एडिशन ऑफ क्यू, ओके एडिशन ऑफ क्यू प्लस एडिशन ऑफ दिस डब्ल्यू. ओके सो वट इज डब्ल्यू, इट इज अमाउंट ऑफ वर्क डन ऑन अ सिस्टम. सो इन दिस वे वी हैव कन्वर्टेड द स्टेटमेंट दैट एनर्जी कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉट डिस्ट्रॉयड, इट इज सिंपली ट्रांसफरिंग टू वन फॉर्म टू अनादर. ये जो है ओके और एनर्जी ऑफ अ सिस्टम इट फॉर एन आइसोलेटेड सिस्टम इट इज रिमेन कॉन्स्टेंट, उसको हमने लिखा भी यहाँ पे क्या है, दैट इज चेंज इन इंटरनल एनर्जी फॉर सच सिस्टम. चेंज इन इंटरनल एनर्जी फॉर द सिस्टम व्हेन द हीट इज एडेड टू द सिस्टम एंड वर्क इज डन ऑन अ सिस्टम. सो वी गेट द इक्वेशन डेल्टा यू. डेल्टा यू इज इक्वल टू हमें क्या मिल रहा है, दैट इज क्यू प्लस डब्ल्यू. सो वेयर डेल यू इज अ इंक्रीज इन इंटरनल एनर्जी ऑफ द सिस्टम. ओके तो यहाँ पे आप बोल सकते हो दिस इज अ इंक्रीज इन इंटरनल एनर्जी, इंक्रीज इन द इंटरनल एनर्जी ऑफ द सिस्टम, एनर्जी ऑफ सिस्टम. ओके इसमें जो वर्ड्स जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्या है कौन किसके ऊपर वर्क कर रहा है ये इंपॉर्टेंट है. सो दिस इज इंक्रीज इन इंटरनल एनर्जी ऑफ द सिस्टम. ओके सो द फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, ओके दिस इज कॉल्ड एज द फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, फॉर्मुलेशन ऑफ फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स. सो फॉर इनफाइनाइटेजिमल प्रोसेस, फॉर इनफाइनाइटेजिमल चेंज और फॉर इनफाइनाइटेजिमल, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस वर्ड इनफाइनाइटेजिमल, फॉर इनफाइनाइटेजिमल चेंज, फॉर वेरी स्मॉल चेंज, फॉर वेरी स्मॉल क्वांटिटी. इनफाइनाइटेजिमल, इनफाइनाइटेजिमल चेंज का मीनिंग ये होता है कि फॉर वेरी स्मॉल चेंज, फॉर वेरी स्मॉल चेंज हाउ वी कैन कन्वर्ट दिस इक्वेशन. यू कैन कन्वर्ट दिस इक्वेशन इन टर्म्स ऑफ डी यू, बराबर है ना. डी हम लोग लिखते हैं ओके दिस इज फॉर वॉट, फॉर वेरी स्मॉल चेंज. सो फॉर वेरी स्मॉल चेंज इन अ फॉर वेरी स्मॉल चेंज इन अ सब्सटेंस, सो वी कैन राइट डाउन दिस इक्वेशन एज डी U इज इक्वल टू डी क्यू प्लस डी डब्ल्यू. फिर से देखो एक बार, डेल्टा U इज फॉर कंप्लीट सिस्टम, डेल्टा U इज फॉर कंप्लीट सिस्टम, चेंज इन इंटरनल एनर्जी इज इक्वल टू Q प्लस W. ओके Q इज द अमाउंट ऑफ हीट एडेड टू द सिस्टम, W इज द अमाउंट ऑफ वर्क डन ऑन अ सिस्टम. सो बेस्ड ऑन दिस फॉर इनफाइनाइटेजिमल चेंज, बहुत ही थोड़े चेंज के लिए ओके फॉर वेरी स्मॉल चेंज into the substance, we can write down this equation as du is equals to dq plus dw. Okay, so this is what for infinitesimal change, and this is the formulation of first law of thermodynamics. Is there any doubt? Yahan tak kisi ko kuch doubt hai? So now we'll see the first law of thermodynamics for the various process. So ye dekho, ye wali equation hai first law of thermodynamics. Now we are going to apply this. We are going to apply this equation for various process. कौन से process है? Isothermal है, बराबर isobaric है, isochoric है, then adiabatic है. Okay, all these process के लिए, okay, we will try to use this equation. That is delta U is equals to Q plus W. Okay, and you remember this. ये वाली क्या है? For very small change के लिए. For very small change. That is du is equals to dq plus dw. This indicates for very small change. So now we will apply this equation for a different process. So first law of thermodynamics for various process. So first law of thermodynamics. So in shortcut, I am going to write down first law of thermodynamics for various process. For various process. For various process.
different process. Already we have seen the different process. Okay, so very first process we'll see isothermal process. चलो first process देखते हैं हम लोग isothermal process. Isothermal process. Okay. So equation क्या है? That is change in internal energy is equals to Q plus W. Where Q is the amount of heat added to the system and W is the amount of work done on the system. ये बात ध्यान में रखो. Okay. That is what the delta U means. Okay. Isothermal process. Isothermal का meaning होता है constant temperature process. As we know that the process is constant temperature. ये process कौन सी है? Constant temperature process. अगर ये वाली होती है तो उसका मीनिंग क्या है? टेम्परेचर इसका चेंज नहीं होने वाला है. और मैंने आपको कल बताया था इंटरनल एनर्जी. ओके, इंटरनल एनर्जी इट इज आल्सो डिपेंड्स, इट इज अ फंक्शन ऑफ टेम्परेचर. ओके, तो टेम्परेचर के ऊपर भी ये डिपेंड रहती है. सो एज द टेम्परेचर इज अ कॉन्स्टेंट, एज टेम्परेचर इज कॉन्स्टेंट, वॉट विल हैपन टू द चेंज इन इंटरनल एनर्जी? चेंज इन इंटरनल एनर्जी क्या हो जाएगा? हमने लिखा हुआ है ऑलरेडी बहुत पहली. चेंज इन इंटरनल एनर्जी क्या आता है इस केस में? जीरो आता है. देयर इज नो एनी चेंज इन द इंटरनल एनर्जी. सो इफ द चेंज इन इंटरनल एनर्जी इज जीरो, ओके, सो पुट दिस इन इनटू इक्वेशन, पुट दिस वैल्यू इन इक्वेशन. इक्वेशन चलो इक्वेशन क्या है? दैट इज द इक्वेशन. इक्वेशन क्या है? दैट इज डेल्टा यू. डेल्टा यू इज इक्वल टू दैट इज क्यू प्लस डब्ल्यू. सो ये जीरो हो जाएगा तो ये क्यू प्लस डब्ल्यू ऐसे हो जाएगा. एंड इन दिस वे वी कैन राइट डाउन, ओके, डब्ल्यू को इधर ही रहने दो. ओके, आप लोग इसको क्यू को इधर लेके जाओ. ओके, सो व्हाट यू आर ऑब्जर्विंग, क्या मिल रहा है यहाँ पे? जो वर्क है दैट इज वर्क इज इक्वल टू माइनस ऑफ क्यू. सो अब जितनी भी अमाउंट ऑफ हीट यहाँ पे एड होगी वो किसके लिए जाएगी? दैट विल यूटिलाइज टू परफॉर्म द अमाउंट ऑफ वर्क. फॉर विच प्रोसेस? आइसोथर्मल प्रोसेस. आइसोथर्मल प्रोसेस में दैट माइनस क्यू यानी that amount of heat which is added that will be utilized to convert into equal amount of work. So when work is done on a system by the surrounding, it result in release of heat, we can say. Okay, so an increase in internal energy of a system, so in this way it is the W is equals to minus Q aayega. Kiske liye? Isothermal process ke liye. To aapko ye yaad rakhna hai. ओके, कैसे याद रखोगे? तो ये जनरल इक्वेशन है फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स के लिए, डेल्टा यू इज इक्वल टू क्यू प्लस डब्ल्यू. ओके, फॉर आइसोथर्मल प्रोसेस ऑलरेडी हमने लिखा हुआ है दैट चेंज इन इंटरनल एनर्जी क्या होता है? जीरो होता है. क्यों? क्योंकि उसका टेम्परेचर कॉन्स्टेंट है. एज द टेम्परेचर इज कॉन्स्टेंट, टेम्परेचर इज नॉट वैरिंग. टेम्परेचर इज नॉट वैरिंग मीन्स वॉट? डेल्टा टी इज इक्वल टू जीरो. एंड डेल्टा टी इज इक्वल टू, जब जीरो रहता है तब डेल्टा यू भी जीरो ही रहता है, क्योंकि ये यू डायरेक्टली डिपेंडेंट है टेम्परेचर के ऊपर. ओके, टेम्परेचर बढ़ता है कम होता है तभी डेल्टा यू में चेंज आता है. ओके, अदरवाइज डेल्टा यू जीरो ही होता है. ओके, इन दिस वे यू कैन रिमेम्बर. नाउ विल सी फॉर द सेकंड प्रोसेस एंड दैट इज फॉर एडियाबैटिक प्रोसेस. दैट इज फॉर द एडियाबैटिक प्रोसेस. एडियाबैटिक प्रोसेस, एडियाबैटिक प्रोसेस where the what happens in adiabatic process, no heat transfer takes place in the adiabatic process. हमने पढ़ा हुआ है, बराबर है? So adiabatic process, there is no exchange of heat between system and surrounding. No exchange of heat. मैं यहाँ पे लिखता हूँ, no exchange of heat. As we are saying there is no exchange of heat means क्या हो जाएगा? Q will be equals to zero हो जाएगा. देखो Q is equals to क्या हो जाएगा? Zero हो जाएगा. So you can put the value. देखो यहाँ पे Q is equals to zero रखोगे. So we know that equation of formula of first law of thermodynamics that delta U is equals to that is Q plus W. And when this is zero, okay, when this zero, so delta U is equals to W हो जाएगा यहाँ पे. Okay, delta U is equals to W हो जाएगा. So thus an increase in internal energy of a system is the work done on it. If the work is done by system on a surrounding. Okay, तो देखो बुक में अलग तरीके से लिखा हुआ है. एक्चुअली ये कैसे मिल रहा है इक्वेशन हमें? डेल्टा यू इज इक्वल टू क्या मिल रहा है हमें? डब्ल्यू मिल रहा है. तो अभी समझने के लिए कॉन्सेप्ट उन्होंने क्या किया है बुक में? सो माइनस दे हैव इंट्रोड्यूस सिंबल माइनस डेल्टा यू और यहाँ पे माइनस डब्ल्यू लिख दिया. देखो दोनों साइड में माइनस माइनस लिखोगे तो कुछ फर्क पड़ने वाला नहीं है, वो सेम ही है इक्वेशन. ओके, तो
minus minus both will cancel actually out. But to understand the concept that the work is done by system on a surrounding. देखो जब हम लोग minus W लिखते हैं तो उसका meaning क्या होता है? That work is done by system on a surrounding. बराबर है? Work done by system on a surrounding. So that W is what? Minus. So at the expense of its internal energy. तो इसका meaning ये है कि जब work कौन करेगा? If work is done by system. Okay, मैं यहाँ पे लिखता हूँ by system on a surrounding. तो वो किसके expense में होगा? That will be in coordination with the change in internal energy. तो internal energy देखो यहाँ पे क्या हो रही है, minus symbol है उसका, उसके आगे. इसका meaning ये है कि जब भी इंटरनल एनर्जी डिक्रीज होगी इन एक्सपेंस ऑफ इंटरनल एनर्जी क्या हो रही है यहाँ पे? डिक्रीज हो रही है. इंटरनल एनर्जी डिक्रीज हो रही है, इसका मीनिंग ये है कि सिस्टम सराउंडिंग के ऊपर वर्क कर रहा है, एंड दैट इज व्हाट एक्सप्लेन्ड हियर विद द हेल्प ऑफ माइनस सिंबल. समझ में आया ना माइनस सिंबल क्यों दिया यहाँ पे? तो माइनस सिंबल इसलिए दिया ताकि आप लोगों को ये समझ में आए कि दैट what is the minus symbol indicates the work is done by system on a surrounding. और वो कैसे होता है? वो तब होता है जब change in internal energy क्या होगा? decrease होगा. when there is a decrease in the internal energy. okay, when there is a decrease in the internal energy. so this is about the process, that is adiabatic process. third we will see isochoric process. third process, isochoric process. what is the meaning of isochoric process? आइसोकोरिक प्रोसेस का मीनिंग क्या है? आइसो का मीनिंग क्या है? सेम. कोरिक मीन्स कॉन्स्टेंट वॉल्यूम प्रोसेस. सो इन अ कॉन्स्टेंट वॉल्यूम प्रोसेस, ओके, इन अ कॉन्स्टेंट वॉल्यूम प्रोसेस वी नो दैट इक्वेशन ऑफ वर्क डन क्या होता है? माइनस पीईएक्सटी इंटू डेल्टा वी. ओके, ये देखो इक्वेशन. तो ये हमने क्यों लिखा इक्वेशन? क्योंकि इसमें वर्क आता है और ये इक्वेशन वर्क का है. हमें चाहिए कि वर्क कितना आ रहा है. So in isochoric process, the delta V is equals to zero because volume is remain constant. क्योंकि क्या है? Isochoric का meaning क्या है? It is a constant volume process. ये कौन सी process है? Constant volume process. When we are saying the process is constant volume, okay, and अगर closed container में अगर हम लोग constant volume process अगर carry out कर रहे हैं, तो उसका change in volume क्या रहेगा? Zero रहेगा. अगर चेंज इन वॉल्यूम जीरो रहेगा तो वर्क डन क्या हो जाएगा? जीरो हो जाएगा ना. देखो यहाँ पे डेल्टा भी जीरो रहेगा तो मल्टीप्लाई क्या करेगा? एक्सटर्नल प्रेशर के साथ मल्टीप्लाई करके डब्ल्यू की क्या वैल्यू आ जाएगी? जीरो वैल्यू आ जाएगी. देखो डब्ल्यू की वैल्यू क्या आ जाएगी? जीरो वैल्यू आ जाएगी. मीन्स इन दिस प्रोसेस द चेंज इन इंटरनल एनर्जी आप देख सकते हो. सो वी विल राइट डाउन डेल्टा यू इज इक्वल टू क्यू प्लस डब्ल्यू इक्वेशन लिखेंगे. और अभी हमें पता है डेल्टा यू इज इक्वल टू ओके क्यू प्लस डब्ल्यू क्या है? जीरो है. इसका मीनिंग क्या है? दैट इज डेल्टा यू इज इक्वल टू क्यू फॉर विच प्रोसेस? फॉर आइसोकोरिक प्रोसेस. वंस अगेन रिमेंबर दैट व्हाट वी आर फाइंडिंग आउट. हम लोग क्या निकाल रहे हैं? हम लोग ये निकाल रहे हैं कि फर्स्ट लॉ जो है कौन सा है? फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स फॉर्मुलेशन, उसका फॉर्मूला क्या है? डेल्टा यू इज इक्वल टू क्यू प्लस डब्ल्यू. ये इसकी वैल्यू डेल्टा यू प्लस क्यू प्लस डब्ल्यू, डेल्टा यू इज इक्वल टू क्यू प्लस डब्ल्यू, दिस वैल्यू फॉर डिफरेंट प्रोसेस वी आर चेकिंग आउट. ओके, तो हमने यहाँ पे चेक किया, यहाँ पे क्या आया? डेल्टा यू जीरो आया, उसके बेसिस पे डब्ल्यू इज इक्वल टू माइनस क्यू आया. यहाँ पे क्या आया? क्यू इज इक्वल टू जीरो आया. क्यू इज इक्वल टू जीरो यानी डेल्टा यू इज इक्वल टू डब्ल्यू आया. ओके, माइनस माइनस में लिखा ताकि आप लोगों को समझ में आए उसका कॉन्सेप्ट. देन थर्ड आइसोकोरिक प्रोसेस. आइसोकोरिक प्रोसेस का मीनिंग क्या होता है? कॉन्स्टेंट वॉल्यूम प्रोसेस. वॉल्यूम कॉन्स्टेंट है तो डेल्टा भी जीरो रहेगा, और डेल्टा भी जीरो रहेगा तो डब्ल्यू जीरो रहेगा. समझ में आया ना कैसे आया? तो बिकॉज चेंज इन वॉल्यूम अगर कुछ नहीं होगा, वॉल्यूम ही अगर चेंज नहीं होगा तो क्या रहेगा? कॉन्स्टेंट वॉल्यूम प्रोसेस है. वो प्रोसेस कैसे रहेगा? वॉल्यूम कॉन्स्टेंट पे रहेगा एंड वर्क विल बी जीरो. और वर्क जीरो रहेगा तो क्या आएगा? डेल्टा यू इज इक्वल टू क्यू आएगा. एंड वी कैन नाउ से दैट दिस क्यू इज व्हाट एट फॉर कॉन्स्टेंट वॉल्यूम. तो इसको आप ऐसे भी इंडिकेट कर सकते हो सबस्क्रिप्ट वी से. ओके, क्यू सबस्क्रिप्ट वी. सो दिस इक्वेशन will show that the change in internal energy of a system is due to heat transfer at constant volume. तो जब isochoric process में जो भी internal energy जो change होगा,
इट इज ड्यू टू क्यू वी, और क्यू की वैल्यू पॉजिटिव कब आती है, व्हेन एवर द हीट इज, ओके, व्हेन एवर द सिस्टम इज ड्यू टू हीट इज ट्रांसफर एट कॉन्स्टेंट वॉल्यूम, ओके, सिस्टम में जो हीट ट्रांसफर हो रही है एट कॉन्स्टेंट वॉल्यूम, ओके. सो फर्दर यू बींग अ स्टेट फंक्शन, क्यू इज ऑल्सो अ स्टेट फंक्शन. हमें पता है कि u क्या है, स्टेट फंक्शन है, ऑलरेडी हमें पता है इट इज अ स्टेट फंक्शन, ओके, हमने डिफाइन किया हुआ है, इट इज एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी एज वेल एज इट इज अ स्टेट फंक्शन. तो ये इज इक्वल टू क्यू वी आया है, तो क्यू वी भी क्या रहेगा, ये भी स्टेट फंक्शन रहेगा, हीट ट्रांसफर इन दिस केस, ओके, सो इट विल बी ऑल्सो अ स्टेट फंक्शन. सो द लास्ट फोर्थ वन इज विल सी आइसोबेरिक प्रोसेस, ओके, फोर्थ वन देखेंगे हम लोग लास्ट, आइसो बेरिक प्रोसेस, कॉन्स्टेंट वॉल्यूम प्रोसेस, आइसोबेरिक प्रोसेस. आइसोबेरिक का मीनिंग होता है, आइसो मीन्स सेम, बेरिक मीन्स प्रेशर, सो कॉन्स्टेंट प्रेशर प्रोसेस, कॉन्स्टेंट प्रेशर प्रोसेस. सो द प्रोसेस वेयर द प्रेशर इट रिमेन्स कॉन्स्टेंट, सो यूजली अ केमिकल रिएक्शन दैट आर कैरिड आउट इन ओपन कंटेनर्स, ओके, जो रिएक्शन जो भी हम लोग कैरी आउट करते थे इन केमिस्ट्री लैब, दैट आर टेक्स प्लेस एट कॉन्स्टेंट प्रेशर, एंड उसमें कौन सा प्रेशर रहता है, तो एटमोस्फेरिक प्रेशर एक्ट होता है, ओके, सो कॉन्स्टेंट प्रेशर, एटमोस्फेरिक प्रेशर इज एक्टिंग इन सच रिएक्शन, सो डेल्टा जो वी है वो जीरो नहीं रहता है, सो डेल्टा वी इज नॉट इक्वल टू जीरो इन सच प्रोसेस वेयर डेल्टा वी इज नॉट इक्वल टू जीरो. वॉल्यूम जो चेंज है, ओके, इट विल नॉट रिमेन सेम, ओके, वॉल्यूम सेम नहीं रहेगा, वॉल्यूम कॉन्स्टेंट नहीं रहेगा, तो वॉल्यूम क्या होगा, वैरी होगा, और वॉल्यूम वैरी होगा, चेंज होगा, तो हम लोग उसको कैसे लिखेंगे, डेल्टा वी विल नॉट बी इक्वल टू जीरो एज वी हैव रिटन इन केस ऑफ आइसोकेरिक आइसोकोरिक प्रोसेस. सो इन एक्चुअल प्रैक्टिकल इन लैबोरेटरी द डेल्टा वी विल नॉट बी इक्वल टू जीरो, सो बाय सिंपली रिप्लेसिंग द वैल्यू ऑफ हम लोग इसको रिप्लेस कर देंगे, ओके, एंड वी विल राइट डाउन दैट इक्वेशन लाइक, यस, डेल्टा यू इज इक्वल टू दैट इज क्यू प्लस डब्ल्यू, ओके, डेल्टा यू इज इक्वल टू क्यू प्लस डब्ल्यू, एंड वी कैन नाउ राइट डाउन, हम लोग लिख सकते हैं डेल्टा यू इज इक्वल टू क्यू, कौन सा क्यू है ये वाला, हीट एडेड ड्यूरिंग विच प्रोसेस, कॉन्स्टेंट प्रेशर प्रोसेस. तो देखो मैं यहाँ पे क्यू पी लिख रहा हूँ, क्या लिख रहा हूँ, मैं यहाँ पे क्यू पी लिख रहा हूँ, और डब्ल्यू, डब्ल्यू का इक्वेशन क्या है बताओ, डब्ल्यू के लिए इक्वेशन क्या है, माइनस पी, एक्सटर्नल प्रेशर ना, माइनस एक्सटर्नल प्रेशर, माइनस एक्सटर्नल प्रेशर इन टू दैट इज डेल्टा वी इन टू डेल्टा वी, ओके, इन दिस वे वी कैन राइट डाउन, एंड आप देखो इसमें ये माइनस हो जाएगा, सो क्यू पी माइनस एक्सटर्नल प्रेशर इन टू डेल्टा वी, ओके, सो दैट इज डेल्टा यू विल बी इक्वल टू, तो उसको थोड़ा सा हम लोग चेंज करते हैं, ये माइनस टर्म है उसको इधर लेके आते हैं, ओके, सो व्हाट वी कैन राइट डाउन, क्यू पी इज इक्वल टू चेंज इन इंटरनल एनर्जी डेल्टा यू, और ये प्लस हो जाएगा, इस साइड आ जाएगा, तो ये पी एक्सटर्नल प्रेशर मल्टीप्लाई बाय दैट इज डेल्टा वी, इन दिस वे वी कैन गेट द जनरलाइज्ड इक्वेशन. सो हीट एडेड ड्यूरिंग कॉन्स्टेंट प्रेशर प्रोसेस क्यू पी, क्यू यानी क्या है, हीट एड हो रही है ड्यूरिंग कॉन्स्टेंट प्रेशर पी, इट कैन बी गिवन बाय डेल्टा यू चेंज इन इंटरनल एनर्जी प्लस एक्सटर्नल प्रेशर प्रोडक्ट ऑफ एक्सटर्नल प्रेशर इन टू द डेल्टा वी, एंड स्पेशल सिंबॉल फॉर इंडिकेशन ऑफ दिस इज कॉल्ड एज द एंथाल्पी, सो दैट वी विल स्टडी, हम लोग आगे देखने वाले हैं कि वो क्या होता है एंथाल्पी. सो हैव यू अंडरस्टूड द फर्स्ट लॉ विच इज एप्लीकेबल और फर्स्ट लॉ फॉर थर्मोडायनामिक्स फॉर वेरियस प्रोसेस, समझ में आया कैसे हम लोगों ने अप्लाई किया इक्वेशंस.